इस वीडियो में काक भुसंडी के बारे में जानेंगे। काक भुसंडी रामचरितमानस के एक पात्र हैं। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काक भुसंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश से बांध दिया था। देवऋषि नारद के कहने पर गरुड़ जो सर्प भक्षी थे ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बन जाने पर राम के परम ब्रह्म होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवऋषि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। गरुड़ के संदेह समाप्त हो जाने के पश्चात काकभुसंडी जी ने गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई। पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभुसंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में भगवान शिव के भक्त थे किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में काल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते थे और वह उन्हीं के साथ रहने लगे। वे ब्राह्मण भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे किंतु भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। उन्होंने उस शूद्र को शिव जी का मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। वह अन्य देवताओं से ईर्ष्या और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उसके इस व्यवहार से उनके गुरु ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ वह रहता था उसका अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे श्राप दिया कि रे पापी, तूने गुरु का निराधार किया है, इसलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जा और सर्प की योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य लेना पड़ेगा, किंतु जन्मने और मरने में जो दुख सुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा, इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। इसके पश्चात उस शूद्र ने विद्यांचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त किया। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वह जो भी शरीर धारण करता उसे बिना कष्ट के सुखपूर्वक त्याग देता, जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है। प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न होती गई। अंतिम शरीर उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दिया कि जा तू चांडाल पक्षी कौवा हो जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के पश्चात लोमस ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया तथा इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उसे उस शरीर से बहुत प्रेम हो गया था और वह कौवे के रूप में ही रहने लगा तथा काकभुसंडी के नाम से विख्यात हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।